नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सिग्नी का इन्वर्टर लेस सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसका यूजर मैन्यूअल यानी ग्राहक सूचना पत्र के बारे में, सूचना पत्र के अंदर जो इन्फो माहिती दी गई है उसकी जानकारी लेंगे, क्या क्या माहिती दी गई है। तो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि पिछले वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि सामने वाले भाग में क्या क्या है, पिछले वाले भाग में क्या क्या है, जैसे कि कीपैड है, एलईडी लाइट्स है, उसके इंडिकेटर्स वगैरह है, स्विच है, सिस्टम का स्विच, लाइट स्विच यानी इमरजेंसी स्विच और नॉर्मल स्विच, फ्यू पिछले भाग में फ्यूज है, एंटेना के लिए कनेक्शन है, टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे सोलर और लोड का कनेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी एक अलग वीडियो बनाया गया है, वो आप देख सकते हो कि सोलर के क्या बताती है, सोलर से चार्जिंग हो रही है तो क्या कौन सी एलईडी कैसी है, बैटरी की एलईडी क्या बताती है, ग्रिड की, ग्रिड बीओ की, फिर लोड और स्टेटस की। उसके बाद इस कंट्रोलर के अंदर से बजर्स आते हैं, जो लॉन्ग बीप आ गया तो आपका मोड चेंज हो गया होगा, उसके बाद अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो भी एक लॉन्ग बीप आ जाएगा 4 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आपके सब सिस्टम रीसेट से बाहर आती है तो 2 बीप आ जाते हैं, आपने देखा। यहाँ पे आ जाते हैं फीचर्स में, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल कनेक्टर रहता है, उसके बाद नॉर्मल और इमरजेंसी दो लाइंस पे आप लोग ऑपरेट कर सकते हो आपने लोड। उसके बाद रिमोट भी दिया जाता है आपको, और अपनी सिस्टम जीपीआरएस से भी डेटा कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे दी गई क्या क्या माहिती दी है वो देखते हैं कि तो आपकी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपकी बैटरी इमरजेंसी मोड में चली जाती है, इसके लिए हमने अलग एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो देख सकते हो नॉर्मल और इमरजेंसी के फंक्शन कैसी है। और इसके ऊपर हम 48 वोल्ट DC के सारे इक्विपमेंट्स लगाते हैं, रिचार्ज पेमेंट ऑप्शन, ये ऑप्शन अभी डिसेबल करके रखा है, इसके अंदर है नहीं है, तो इसके बारे में कुछ जरूरत नहीं है। आगे BLE आप सिस्टम को ब्लूटूथ से भी रीड करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो ऐप के थ्रू, GSM इंटरफेस। GSM इंटरफेस यानी इसके अंदर की जो भी माहिती, सोलर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बैटरी की हेल्थ वगैरह, वो सर्वर पे भेजी दी जाती है। और यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ब्लूटूथ से रीड करने के लिए एंड उसको फिर से GPRS में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आगे की इंफॉर्मेशन हम संक्षिप्त रूप से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सूरज की बिजली रहती है वो कम रहती है, जो आने वाली वो अनलिमिटेड नहीं रहती, जैसे कि हमारे घरों में जो आती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अगर आती है तो वो हमें अच्छे तरीके से यूज करनी चाहिए। फैन जब अगर नहीं है चाहिए तो बंद करके रखने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आप कितने घंटे तक चल सकते हैं, आप अगर फैन 8 घंटे तक चला सकते हो, बल्ब 12 घंटे तक और 4 घंटे तक, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही चलाना चाहिए, बट ये इतना लगा सकते आप चला सकते हो। इसके अगर आपको आपने ओपन करने की कोशिश की तो इसका वारंटी चली जाती है, यहाँ पे बताया है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका आपका अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो सिस्टम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए अपने आप रीसेट मोड में चले जाती है। तो उसको बाहर लाने के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है *1 2 3 दबा के आप बाहर लेके आ सकते हो। उसके बाद रिमोट कंट्रोल का वापर कैसे करना चाहिए, यहाँ पे बताया है कि आप फैन और लाइट दोनों के लिए ये अलग अलग दिए गए बटन है, तो इन्हें फैन और लाइट दोनों के लिए तीन तीन बटन दिए गए, एक ऑन ऑफ करने के लिए बीच का, ऊपर वाला बढ़ाने के लिए और नीचे वाला घटाने के लिए। फैन है तो आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, और लाइट है तो आप लाइट का जो बिजली का इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद पैनल को कैसे क्लीन करना है, उसको कैसे हम साफ कर सकते हैं, उसके बारे में भी इधर माहिती दी है। कोई भी सूखे कपड़े से आप पैनल
पैनल को से पहुंचना है आपको, दोपहर की में पहुंचने की जरूरत नहीं, शाम को गर्म रहता है, शाम को या सुबह आप जल्दी पहुंच सकते हो। और दूसरा यहाँ पे बताया है कि तीसरा कि आप उसको नोकीली चीजों से मत रब कीजिएगा, पैनल को सॉफ्ट कपड़े से कीजिएगा। नीचे डूज एंड डोंट, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सिस्टम के साथ, एक ध्यान में रखिए कि सिस्टम को खड़ा ही रखना है, उल्टा नहीं करना है कभी भी। दूसरा है कि आप सिस्टम को मतलब बाहर नहीं रखना है जहां पे कि बारिश और गर्मी गर्मी में रहे, अंदर रखना है। उसके बाद है आगे आप टर्न ऑफ द लाइट्स, जब भी नहीं चाहिए तब बंद कर सकते हो। उसके बाद छोटे बच्चों से दूर रखिएगा यूनिट। और क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया है कि सोलर पैनल को जब चालू में इधर उधर मत हिलाइए, और कोई भी ज्वलनशील वस्तु के पास वो मत रखिएगा, या ज्वलनशील वस्तु उसके पास मत लेके जाइएगा इन्वर्टर लेस के पास। पैनल को भी कहीं भी हैंग मत कीजिएगा, कोई भी तरीके का आवश्यक वस्तु इसके ऊपर मत रखिएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इस सर्विस या मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। ये टोल फ्री नंबर है, आपको किसी भी तरीके से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो धन्यवाद।